हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज हम बात करेंगे अपने सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एमबीए इन एचआर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन रिसोर्स। इससे पहले हमारी वीडियो आ चुकी है फाइनेंस पे, मार्केटिंग पे, तो वो आप चैनल पे देख सकते हो। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा ह्यूमन रिसोर्स एचआर में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आप अपने कॉलेज में पढ़ोगे, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स कौन कौन सी कंपनीज में लगती हैं, एंड टॉप कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको टारगेट करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एंड आगे इस सीरीज में जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो सब आपको अपडेट उसका मिलता रहे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एमबीए एग्जाम्स की, तो हमारा पेनड्राइव कोर्स जो है जो आ चुका है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, कोई इंटरनेट आपको नहीं चाहिए, अनलिमिटेड टाइम्स आप इसे प्ले कर सकते हो। क्वांट का, वर्बल का, एलआरडी और जीके, चारों के इंडिविजुअल पेन ड्राइव कोर्स भी हैं, कॉम्बो पैक भी है जो आप बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे, एंड आपके घर पे डिलीवर हो जाती है पेन ड्राइव विद इन 3 to 4 days। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक, बेसिक से लेके एडवांस वर्जन तक सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, आप इनको देखते हो। उसके बाद आपको एक मिलता है पोर्टल, लॉगिन आईडी पासवर्ड, जिसके थ्रू आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, एंड सारी के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, इतना करने के बाद आपको किसी और अदर टेस्ट सीरीज या कोचिंग या बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, क्योंकि आप एक बात को समझो, चाहे किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप अगर देखोगे तो आप भाई मशीन्स लगा सकते हो, आप उस कंपनी में जितना पैसा है वो लगा सकते हो, रिसोर्सेज लगा सकते हो, नई बिल्डिंग ले सकते हो, लेकिन आप एक चीज जो दूसरी कंपनी को डिफरेंशिएट करती है वो होते हैं उसके लोग। लोगों को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बाकी आप हर चीज डुप्लीकेट कर सकते हो। इसीलिए एचआर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंप्लॉयज होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका मेजर काम क्या होता है, इंप्लॉय को हायर करना, उस इंप्लॉय की कंपनी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग, उसका रिक्रूटमेंट, देन कैसे रिवॉर्ड सिस्टम बनेगा, बोनसेस कैसे मिलेंगे, बिजनेस में वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है, एंड जो आपके इंप्लॉयज हैं और जो आपकी कंपनी का गोल है वो एक साथ अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो, तो बहुत ही एक अच्छा प्रोफाइल है। मेजरली इसमें मैंने देखा है कि पहले जो होती थी वो फीमेल ज्यादा प्रेफर करती थी, बट आज की डेट में भाई एवरीवन इज प्रेफरिंग दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज हैविंग अ वेल वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ज्यादा कंपैरेटिव टू फाइनेंस और मार्केटिंग। तो इस तरह की जो एमबीए है एचआर में वो आप सीखते हो, एंड यहाँ पे आपकी जो मेजर लर्निंग रहती है वो रहती है प्लानिंग स्ट्रेटजी, रिक्रूटमेंट कैसे करना, हायरिंग कैसे करनी, एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, अलॉन्ग विद दैट लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग आर द की फोकस ऑफ एमबीए इन एचआर। तो अगर मैं बात करूँ आप क्या क्या यहाँ पे सीखोगे, तो फर्स्ट ईयर में तो जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आप पढ़ोगे यहाँ पे, देन सेकेंड ईयर में जहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन होती है वहां पे आप कोर ह्यूमन रिसोर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे क्या क्या इंडस्ट्रियल लॉज है, एचआर मैनेजमेंट कैसे होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसे करना है, लेबर के साथ कैसे मैनेजमेंट करना है, लेबर लॉज क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, किस प्रोजेक्ट में लोगों को हायर करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या सिर्फ वर्क के बेसिस पे होना चाहिए, या अगर कोई इंप्लॉय है जो वैल्यू एडिशन कर रहा है उसके बेसिस पे, देन उनकी सैलरीज कैसे डिसाइड होंगी, ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करेगा, उसके बाद मेजरिंग एचआर, उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, देन फिर लेबर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि किस तरह से अपने इंप्लॉयज को साथ लेके चलना है, कि सब लोगों की लर्निंग भी हो, ग्रोथ भी हो, एंड वो सारे के सारे जो लोग हैं वो कंपनी के लिए आपका हेल्प कर पाए। तो अगर आपको लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिक्रूटमेंट लोगों का कर सकता है, जो लोगों से बात कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम समझ सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है, तो यू आर अ एप्ट कैंडिडेट फॉर द एमबीए इन एचआर प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें क्या क्या करियर होते हैं, तो एचआर जर्नलिस्ट तो वो होता है जो भाई मेजरली हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड मेजरली रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है। उसका टेक्निकल रिक्रूटर, टेक्निकल रिक्रूटर वो होता है जो अपनी फील्ड के लिए स्पेशलाइज होता है, जो सीनियर पोजिशन के लिए हायरिंग करता है। अब भाई नॉर्मल अगर मुझे हायरिंग करनी हो तो एचआर जर्नलिस्ट हायर कर सकता है, लेकिन अगर मान लो मुझे कोई एकदम फाइनेंस का बंदा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू बी टेक्निकली साउंड, उसके बाद ही मैं हायर कर सकता हूँ। उसका कॉम्पनसेशन मैनेजर जो सारी सैलरीज, बोनस, परफॉर्मेंस रिव्यू ये सब मैनेज करता है, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर जो सारे के सारे एम्प्लॉयज का डीलिंग करता है, मीटिंग्स होती है, कैसा काम चल रहा है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोई टीम में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, सजेशंस लोगों का लेना, तो ये सारे काम इसके होते हैं। देन डायरेक्टर ऑफ एचआर इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स थिंग, कैसे लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के तो नहीं जा रहे कंपनीज, तो ये सारी चीजें। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भाई किस तरह की जो नए नए सॉफ्टवेयर कंपनी अडॉप्ट कर रही है उस पर ट्रेन करना, अपने एम्प्लॉयज को नई नई स्किल्स से डेवलप कराना, ये सारी चीजें आपका काम होती है।
देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज कंसल्टेंट, जिसमें आप मेजरली डिस्कशन करते हो ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लॉयज का कि भाई किस तरह से दोनों को साथ लेकर चलना एंड कैसे सारी की सारी चीजों को मैनेज करना है। अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूं तो भाई चाहे कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है एंड वो मेजरली हायरिंग करते हैं। तो हर कंपनी में, चाहे वो बैंक हो, चाहे एफएमसीजी कंपनीज हो, चाहे टॉप फाइनेंस कंपनीज हो, बिग फोर हो, गूगल हो, फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में लोग चाहिए एंड लोग हायर करेगा एचआर डिपार्टमेंट। तो सारी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसीलिए काफी सारी जॉब्स यहाँ पे निकलती है। उसका ट्रेनिंग स्पेसिफिक कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो भाई ट्रेनिंग कंपनीज को अपना प्रोजेक्ट दे देती है कि हमारे इंप्लॉयज को ट्रेन करो। तो ये ट्रेनिंग स्पेसिफिक कंपनीज होते हैं, ये अच्छे अच्छे एचआर कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एमबीए में एंड देन ये लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बड़ी कंपनीज पे एंड वहां पे लोगों को ट्रेन करते हैं। एंड देन होते हैं एचआर रिक्रूटर्स जो आपके बिहाफ पे सिलेक्शन करते हैं लोगों का। मतलब मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरे पास इतना बड़ा एचआर डिपार्टमेंट नहीं है कि मैं सारे लोगों को हायर कर पाऊं, तो मैं जो एचआर रिक्रूटर होगा, एक फर्म होगी, एक एजेंसी होगी, प्लेसमेंट एजेंसी, उसको मैं बोलूंगा कि मुझे 10 लोग चाहिए, मुझे 20 लोग चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, तो वो लोग मेरे बिहाफ पे काम करेंगे एंड देन मुझे वो लोग कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं वो आपको मिलेंगे एचआर में, जहां पे मेजरली आप लोग करोगे लोगों के साथ डील करना जो आपका काम होगा, देन उसके साथ उनके साथ नेगोशिएशन करना, एक रिलेशनशिप बना के रखना। अगर मैं बात करूँ टॉप 20 स्कूल्स की, तो बहुत अच्छे अच्छे 20 स्कूल्स हैं। जो बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंडिया में वो है आपका XLRI, सेवियर्स लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। भाई इनका फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम में, जो ये अपना मास्टर्स कराते हैं, इनका जो एडमिशन होता है वो जैट इस कोर्स से होता है एंड द एवरेज प्लेसमेंट इज 20 to 22 lakhs। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स यहाँ पे लगती हैं। तो टॉप कंपनी, चाहे आप महिंद्राज की बात करो, टाटा की बात करो, ये लोग हायर करते हैं XLRI टिस से, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है। तो सेकंड कॉलेज जो है वो आपका आता है टिस। यहाँ पे जो मास्टर्स होती है वो एमए होती है, एमए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनका अपना एग्जाम होता है टिस नेट का, ठीक है, जिसमें मेजरली जीके आता है, डोमिनेटेड बाय जीके। तो 40% इस एग्जाम में जीके आता है, देन इनका इंटरव्यू होता है, देन इनका सिलेक्शन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो वेरी करती है, कभी 75 कभी 72 आउट ऑफ 100, ठीक है। जो एवरेज पैकेज है टिस का, दैट इज समवेयर अराउंड 18 to 19 lakh। द बेस्ट पार्ट इज ROI बहुत अच्छा है टिस का, बहुत कम फीस है आपकी एंड काफी अच्छी जॉब्स यहां से आपको मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं तो SCMHRD जो कॉलेज, दैट इज अगेन स्पेशलाइज्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड ये लोकेटेड कहाँ, लोकेटेड है आपका पुणे में। स्नैप एग्जाम देने से आपका सिलेक्शन होता है एंड द एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 13 to 14 lakh पर एनम, ठीक है। उसके बाद IIM में पूरा एक प्रॉपर PGDM होता है, न्यू दिल्ली का कॉलेज है, दैट इज प्रॉपरली फोकस्ड ऑन HR। तो HR में ही पूरा का पूरा कोर्स होता है इनका 2 साल का। तो अगेन अ गुड कॉलेज, जो एवरेज पैकेज है दैट इज समवेयर अराउंड 12 to 13 lakh। तो ये कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो IIMs तो हमेशा से है, जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप टॉप IIMs में हो तो आपको टेंशन नहीं लेना फाइनेंस कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, एचआर कंपनी, क्योंकि सारी कंपनीज आपकी आएंगी एंड इन IIMs में जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज वाया कैट। कैट एग्जाम आपको देना है, आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसका जो एवरेज पैकेज रहता है यहां से, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, समवेयर अराउंड 18 to 19, 20 lakh के आसपास रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो XIIMB इज ऑल्सो वेरी गुड, भुवनेश्वर का कॉलेज है, सिलेक्शन यहाँ पे भी कैट से होता है, एवरेज प्लेसमेंट इज समवेयर अराउंड 16 to 17 lakh। तो 16 to 17 lakh के आसपास इसकी एवरेज प्लेसमेंट रहती है। तो दिस इज अगेन अ गुड कॉलेज जो XIIMB है HR में जो माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस रहे, कंफर्टेबल जॉब रहे एंड लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आपको पसंद है, तो MBA इन HR आप कंसिडर कर सकते हो एंड इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स बाय करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल भी ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।